इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने परमानेंट मैग्नेट्स तो देखे थे जो हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं बट हमारे पास कुछ ऐसे मैग्नेट्स भी होते हैं जो टेम्पररी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के उन्हें मैग्नेट्स बनाया जाता है सो इलेक्ट्रो मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर वर्क करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उस पर वर्क करते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट्स तो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं लाइक like, हमने एक सोलिनॉयड लिया जिसमें से करंट पास हो रहा है तो ये सोलिनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके बाद हमने इस सोलिनॉयड के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर दिया और इस आयरन कोर को इस सोलिनॉइड के बीच में प्लेस करने की वजह से इस सोलिनॉयड की मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये सोलिनॉइड इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये सोलिनॉइड और सॉफ्ट आयरन कोर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो so एक इलेक्ट्रो एक मैग्नेट होता है जिसमें लॉन्ग कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की जिसे सॉफ्ट आयरन कोर के चारों तरफ बाइंड कर दिया जाता है और जब हम इस कॉयल में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो यह सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटाइज हो जाती है इलेक्ट्रो कुछ इस तरह से होता है लाइक अगर हम इसकी फिगर बनाए तो यहां पर नोट करने वाली चीज यह है कि सोलिनॉइड के अंदर जो ये सॉफ्ट आयरन का कोर होता है यह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और जैसे ही इस सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो यह अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लूज कर देता है और यहां पर हम सोलिनॉइड के अंदर जो कोर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह उसे सॉफ्ट आयरन का इसीलिए लिया जाता है बिकॉज सॉफ्ट आयरन अपना सारा मैग्नेटिज्म लूज कर देता है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ करा जाए क्योंकि अगर यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज ना करा जाता अगर स्टील यूज करा जाता तो जैसे ही हम करंट ऑफ करते तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं करता और वो करंट ऑफ होने के बाद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता और मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहता दैट्स वाई हम सोलिनॉइड के बीच में यहाँ पर सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं तो बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी तो वही चीजें हैं लाइक like, इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी होगी तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा टर्न्स हैं उस कॉइल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि

मतलब उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी सो यहां पर अगर हम एक बार मैग्नेट वाले शेप की जगह एक यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करें लाइक like दिस तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा मीन्स उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेट तो यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारी प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की तरह शो करता है बट इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट दोनों एक दूसरे से बहुत हद तक डिफरेंट होते हैं लाइक like, अगर हम इसके डिफरेंसेस चेक करें दैट इज एक साइड हम बार मैग्नेट लिख लेते हैं एक साइड इलेक्ट्रो मैगनेट एंड देन फर्स्ट बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है बट इलेक्ट्रो मैगनेट एक टेम्पररी मैग्नेट है जिसमें हम अगर करंट ऑफ कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और करंट ऑन रहेगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहेगा नेक्स्ट एक बार मैग्नेट अगर परमानेंट मैग्नेट है तो वो इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा लेकिन एक इलेक्ट्रो बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है नेक्स्ट बार मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ नहीं चेंज कर सकते क्योंकि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट है तो उस पर्टिकुलर मैग्नेट की हम स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते कि हम एक छोटे से मैग्नेट magnet की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दे या उसे डिक्रीज कर दे वो पॉसिबल नहीं है बट हम एक इलेक्ट्रो की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं जो कि हमने देखा था कि वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में नेक्स्ट एक परमानेंट मैग्नेट की फिक्स्ड पोलैरिटी होती है लाइक like उसका नॉर्थ पोल फिक्स होगा साउथ पोल भी फिक्स होगा लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिपेंड करते हैं करंट की डायरेक्शन पे हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस बताएंगे और वहां से हम ये डिसाइड करेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है सो so, नॉर्थ और साउथ पोल्स को हम इलेक्ट्रो में इजिली चेंज कर सकते हैं बट परमानेंट मैग्नेट दैट इज बार मैग्नेट में चेंज नहीं कर सकते सिंपली बस हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी